हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ होम साइंस यानी गृह विज्ञान इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट। जी हाँ, तो आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं दिखा तो आप लोग इस क्लास के बाद चैनल के प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है और क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। जी हाँ, तो आज के इस मॉडल सेट में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आपको जितने भी मैं मॉडल सेट कवर कर रहा हूं, ये सारे मॉडल सेट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको पूछे जाएंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम 90% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है। जी, अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, तो चलते हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में? माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? जी हाँ, तो माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कोलोस्ट्रम कहलाता है। आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का लास्ट तक आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? जी हाँ, तो कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? जी हाँ, तो किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 6 मास हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है? जी हाँ, कितनी औसत लंबाई है भारतीय बच्चे की? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 5 में। जी हाँ, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? जी हाँ, कौन जरूरत होती है यानी माता के दूध के साथ? यहाँ पे 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? प्रसव प्रांत अवधि गंभीर है? जी हाँ, तो किसके लिए गंभीर है? तो ये 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? जी हाँ, वेरी गुड, सबने यहाँ पे आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये दोनों के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? जी हाँ, ये कौन सा महीना है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये 9 से 12 महीने में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अंडाशय हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी है? यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बोला जा रहा है? घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? जी हाँ, तो क्या कारण है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? क्षय रोग फैलाने का माध्यम है? जी हाँ, कौन सा माध्यम है? यहाँ पे 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, दूषित वायु हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 13 में? खसरे का टीका कब लगाया जाता है? जी हाँ, तो खसरा का टीका कब लगाया जाता है? यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 9 महीना पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं मानसिक न्यूनता? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? जी हाँ, तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कौन सा ऑप्शन 15 का करेक्ट होगा? तो वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? 16 में संतुलित आहार ना करने से क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है? टाइफाइड एवं हैजा बीमारियाँ किसके संदूषण से होती है? जी हाँ, तो किसके संदूषण से होती है? 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त दोनों यानी जल तथा भोजन दोनों से होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? जी हाँ, तो कौन सी रेखा ऊंचाई का क्या है? भ्रम है। यहाँ पे 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी खड़ी रेखा। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का? बच्चों में असमर्थता हो सकती है? जी हाँ, तो कब से हो सकती है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा
ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है। जी हाँ, तो क्या लक्ष्य समूह है, तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, 21 में क्या बोला जा रहा है, वह बालक जिसकी शारीरिक मानसिक भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, जी हाँ, तो वो कैसा बालक होता है। यहाँ पे 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी यानी असमर्थ बालक होता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा कारक है, तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी इनमें से सभी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 23 में, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। जी हाँ, तो किस नाम से बुलाते हैं, तो ये 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी शिशु सदन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। जी हाँ, तो भोजन का जो मनोवैज्ञानिक कार्य है वो क्या है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी यानी संतुष्टि प्रदान करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। जी हाँ, तो कौन कुपोषण का कारण है, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 25 का। वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। जी हाँ, ये कैसी आवश्यकता है, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी यानी प्राथमिक आवश्यकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थों में से किसमें पाया जाता है। जी हाँ, तो किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, पोषक तत्व है। जी हाँ, यहाँ पे कौन से पोषक तत्व हैं, तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, तो 29 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गर्भ अवस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। जी हाँ, तो किस चीज़ की आवश्यकता बढ़ जाती है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 29 का। तो वेरी गुड, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है, यानी गर्भ अवस्था में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। जी हाँ, यानी कौन सा पदार्थ है जो ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करता है, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी यानी वसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, 31 में कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा स्रोत है, यहाँ पे 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, तो 32 में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। जी हाँ, तो कितना प्रतिशत भाग जल होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 65%। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, पाचन अवशोषण एवं चयापचय मैं जल किस स्रोत से मदद करता है। जी हाँ, तो किस स्रोत से मदद करता है, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, 34 में व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। जी हाँ, तो किस पर निर्भर करती है, यह 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जाए, 35 में शरीर के उत्तकों का मूल आधार है। जी हाँ, क्या मूल आधार है, ये मैं 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी यानी जल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। जी हाँ, कौन सा मंत्रालय है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ 36 का। वेरी गुड, यहाँ पे सबने डी आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी यानी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, 37 में स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। जी हाँ, तो क्या लाभ है, तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 38 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है। जी हाँ, कौन सा भारतीय मानक चिन्ह है, यानी खाद्य पदार्थ संबंधित, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी यानी एग्मार्क हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जी हाँ, 39 में क्या बोला जा रहा है, भोजन को बचाना चाहिए। जी हाँ, 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी यानी मक्खियों से बचाना चाहिए। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है। जी हाँ, तो कौन सा रीजन है खाद्य पदार्थों के सड़ने का, तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, 41 में
विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। जी हाँ, तो किसके लिए लाभदायक है? यहाँ पे 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी के लिए लाभदायक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है? ISI की स्थापना कब की गई? जी हाँ, तो कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1986 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है? एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? जी हाँ, नहीं, कौन से पदार्थ हैं जिनकी गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कृषि पदार्थ हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, और आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। जी हाँ, तो अधिकतर क्या मिलाए जाते हैं? तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कंकर, पत्थर तथा मिट्टी मिलाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है? मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? जी हाँ, कौन सी आय है जिसके अंतर्गत मासिक वेतन आता है? यहाँ पे 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? 46 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है। जी हाँ, तो किसका सबसे बड़ा साधन है? तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। अब यहाँ पे क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है? 48 में नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, तो क्या आते हैं? तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है? चेक कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो चेक कितने प्रकार का होता है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 50 में तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। जीवन बीमा से लाभ है। जी हाँ, जीवन बीमा से क्या लाभ है? तो 50 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, क्योंकि मैं जितने भी आपको मॉडल सेट कवर करा रहा हूँ, आपको ये मॉडल सेट को देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो मॉडल सेट है ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट है, जो कि आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर हाल में कवर करना जरूरी है। तो इसी तरह आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डाकघर में खाता खोले जाते हैं। जी हाँ, तो कैसे खाता खोले जाते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एकल या संयुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 52 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। 52 में उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? जी हाँ, कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दुकान में रेड करवाने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है? कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है? जी हाँ, यानी कितनी जनसंख्या होनी चाहिए एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1000। अब यहाँ पे क्वेश्चन 54 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? जी हाँ, कौन यहाँ पे द्वितीयक रंग है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हरा हो जाएगा। अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राकृतिक तंतु है। जी हाँ, तो कौन यहाँ पे प्राकृतिक तंतु है? तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऊन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है? सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो किस में होता है? तो यहाँ पे 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शादी विवाह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जाए। 57 में निम्न में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुँचाता है? जी हाँ, तो कौन कपड़ों को नुकसान पहुँचाता है? 57 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सिल्वर फिश। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? जी हाँ, तो किनकी सहायता है? यहाँ पे 58 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जाए। 59 में निम्न में से रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? जी हाँ, कौन सी विशेषता रेशमी तंतुओं की है? यहाँ पे 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, वजन में हल्के। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है? ऊन के रेशे में होता है। जी हाँ, तो ऊन के रेशे में क्या होता है? तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है? 61 में निम्न में से नायलोन तंतुओं की कौन सी विशेषता है? जी हाँ, कौन सी विशेषता नायलोन तंतुओं की है? तो हमें 61 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दीर्घता और लचक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है?
निम्न इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? जी हाँ, कौन सबसे मजबूत तंतु है? यहाँ पे 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रेशम हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है। 63 में बूटीका किससे संबंधित है? जी हाँ, किससे संबंधित है? तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी यानी वस्तुओं की डिजाइनिंग से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है, प्लेकेट कहते हैं? जी हाँ, तो प्लेकेट किसको कहते हैं? तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें बटन की पट्टी को कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा प्राणी धब्बा है? जी हाँ, कौन सा प्राणी धब्बा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें दूध हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जाए, 66 में यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 66 का करेक्ट होगा। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, तो किसका प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे 66 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है 68 में, क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र जी हाँ क्या हो जाते हैं? तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नष्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? जी हाँ, तो क्या कहलाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी गृह प्रबंध कहलाता है। तो आज की इस मॉडल सेट का आखिरी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? जी हाँ, तो निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? तो 70 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी सुरक्षा हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज का मॉडल सेट जो 4 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और जो भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको क्लिक करके जुड़ जाना है, और लाइव कमेंट में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको टेलीग्राम चैनल पर हर हाल में जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक टाइम पर डाल दिया जाता है, और नोट्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।